नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 2015 में हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब इससे सटे उत्तर प्रदेश राज्य में भी अपने पैर पसारना चाहती है। इसी के मद्देनजर एएपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह 29 अगस्त से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जन अधिकार पदयात्रा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस रैली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, भाजपा के नाराज नेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा शामिल होंगे। रैली के लिए नोएडा सेक्टर 46 सभा स्थल पर मंच बनाया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर तो लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। यूपी के नोएडा में इसकी ये पहली रैली होगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक की शुरुआत भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के उद्घाटन संबोधन से हुई। आने वाले चुनावों को लेकर अमित शाह ने कहा कि बहुमतों के साथ जीत हासिल करेंगे। शाह ने कहा, संकल्प की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शाह ने आने वाले लोकसभा चुनाव में 2014 से भी बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी को शपथ दिलाई। जब भाजपा ने पहली बार अपने चुनावी इतिहास में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्य इकाइयों के अध्यक्ष की बैठक में अजय भाजपा का एक नारा दिया गया। सभी ने हाल में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए काम करने का वचन दिया और तेलंगाना में चुनाव पर अतिरिक्त जोर देने के लिए एक निर्णय लिया गया। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के दुजरा में गुरुवार की रात डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। दंपत्ति की हत्या केयरटेकर शोएब ने की थी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उसने हत्या की जो वजह बताई है उसे जानकर पुलिस भी अचंभित हो गई है। उसने बताया कि इमोशनल फीलिंग्स की वजह से उसने दंपत्ति को मार डाला। इसकी जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि इसकी पूरी जानकारी थोड़ी देर के बाद संवाददाता सम्मेलन में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले से ही शक की सुई इंजीनियर दंपत्ति की संपत्ति और उसकी देखभाल करने वाले केयरटेकर शोएब पर जाकर टिकी थी। युद्ध के इतिहास और भारतीय सेना के अदम्य शौर्य को बड़े पर्दे पर बार बार उतारने वाले जेपी दत्ता इस हफ्ते पलटन लेकर आ रहे हैं। चीन से युद्ध में हारने के 5 साल बाद भारतीय पलटन के चीनियों को परास्त करने की घटना पर बनी ये फिल्म काफी चर्चा में है। शुक्रवार को पलटन सोलो रिलीज नहीं है। एकता कपूर और इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी लैला मजनू और मनोज बाजपाई की गली गुड़िया भी रिलीज हो रही है। पिदत्त की ये 11वीं फिल्म है। फिल्म में जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल, लव सिन्हा, सिद्धांत कपूर, गुरमीत चौहान, हर्षवर्धन राणे और सोनू सूद की अहम भूमिका है। अब रुख करते हैं मौसम की ओर। एक बार फिर से आंधी तूफान का खतरा पैदा हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की आशंका जाहिर की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने शुक्रवार को 22 राज्यों में भारी से भारी बारिश की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि आज ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदरूनी इलाकों में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज आज के साथ।